दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 25x25 हाउस प्लान की। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर 25x25 का ये हम हाउस प्लान लेकर आपके लिए आए हैं और यहाँ पर 2D इसका मैप, 3D मैप सब कुछ बताने वाला हूँ। आप बने रहें, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपका भी प्लॉट 25x25 का है तो बेहतरीन घर विद कार पार्किंग आप बना सकते हैं। तो उससे पहले हम आपसे गुजारिश जरूर करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप आते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल्स घर मिल जाते हैं, मल्टीपल्स हाउस के प्लान्स मिल जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग साइजेस के। जैसे कि आप देखेंगे, जो मैंने कल डिज़ाइन किया था 20x20 का था, परसों 18x20 का था, 12x20 का था, 25x45 का था। बहुत सारे प्लान्स आपको मिल जाते हैं, आपका जो भी रिक्वायर्ड हो, आपका जो भी सूटेबल लगे, उस मॉडल को देखकर आप एक आइडिया ले सकते हैं और अपने घर को डिज़ाइन करके बेहतरीन से बनवा सकते हैं। तो चलो, आज का टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं, आज के मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ और इसी मॉडल को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप ये देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 25x25 है। अगर आप इसमें कार पार्किंग भी करना चाहते हैं तो मैं उसका एक कार पार्किंग का भी व्यवस्था किया पल्स, बट मैंने वो वहाँ पर डोर नहीं दिया है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको डोर बनाना है। तो इस मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मॉडल अच्छा लग रहा और डिज़ाइन अच्छा लग रहा, प्लीज़ लाइक कर दें हमारे वीडियो को। और सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर पर। फ्रंट की बात करें, सामने की बात करें तो सामने से ये मॉडल आप ऐसा देख पा रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू है बिल्कुल सामने से। ये देखिएगा, ये इसका मेन डोर है दोस्तों, ये एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर तरीके से, और ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट है। आप चाहे तो यहाँ भी एक विंडो दे सकते हैं। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप से आप इस मॉडल को ऐसा देख पा रहे होंगे दोस्तों। सिर्फ मैंने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर डिजाइन किया। अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, दो स्टोरी, तीन स्टोरी, जो भी आप चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। ये आपका दोस्तों स्टेयर्स को ढक दिया जिसमें बरसात में पानी वगैरह ना जाए। तो ये 25x25 का हाउस प्लान है। अब इसके हम ग्राउंड फ्लोर पर आपको ले चलते हैं। सबसे पहले ये इसका ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों, ये देखिएगा इसका ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ पर आपको मेन डोर दिख रहा है और आपका विंडो दिख रहा है। आप जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं अंदर, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको ये मिल जाता है एक गेस्ट रूम। ये देखिए, ये गेस्ट रूम है और यहाँ पर ये डोर है। इस गेस्ट रूम के लिए बाहर से मैंने विंडो दिया है। अगर आप चाहते हैं एक विंडो और देना तो यहाँ पर आपके लिए पर्याप्त स्पेस है। आप इस वाले वॉल पर भी एक विंडो दे सकते हैं, अन्यथा आपका फ्रंट से मैंने विंडो दिया, इस कारण से मैंने अंदर से विंडो नहीं दिया है। ये तो आपका गेस्ट रूम हो गया। ये आपकी स्टेयर्स हैं, जैसे कि आप उधर से चढ़ेंगे आपको और थोड़ा सा फिर आकर आपको मुड़ना पड़ेगा, ये स्टेयर्स दोस्तों। अब अगर आप कार पार्किंग करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये जो मैंने डोर लगाया है इसको आप यहाँ पर, ये जो स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर, बड़ा सा एक मेन डोर लगवा लें और यहीं पर आपकी कार पार्किंग हो जाएगी। यहाँ पर आपकी कार पार्किंग हो जाएगी। ये जो आप स्टेयर्स देख पा रहे होंगे, ये आप थोड़ा पीछे से बनवाएं और यहाँ से लेकर आएँ, जिसमें कार पार्किंग के लिए आपको लंबाई में स्पेस मिल जाए। तो आप यहाँ पर कार पार्किंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया गेस्ट रूम। आप सबसे फ्रंट पीछे की बात करते हैं तो ये एक बेडरूम आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर बेड पड़ा है, और एक ये बेडरूम देखने को मिल रहा है। तो 3 BHK हाउस प्लान यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया है। ये बीच में जो स्पेस बचा है, ये आपके लिए मैंने किचन डिजाइन, ये मैंने किचन डिजाइन किया है दोस्तों। यहाँ पर ये बेडरूम आपके दो मिल रहे हैं और इस किचन के लिए वो डोर यहाँ से दिया है, बेडरूम के लिए डोर दिया है, इस बेडरूम के लिए डोर यहाँ पर है। आप इस बेडरूम में चाहते हैं अगर वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके, तो आप यहाँ पर एक विंडो दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप विंडो दे देंगे तो यहाँ पर स्पेस है, और इस वाले रूम पर, बेडरूम पर आप नहीं विंडो दे पाएंगे, यहाँ पर आपको दोनों तरफ दरवाजे लग जाते हैं। और अगर इस वाले स्पेस की बात करें तो ये आपका लेट एंड बाथरूम, लेटिंग और बाथरूम है। यहाँ पर मैंने कम्बाइंड क्रिएट किया है, आप चाहते हैं तो आप सेपरेट भी बना सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर लेटरिन बना लें, यहाँ पर बाथरूम बना लें, यहाँ पर स्पेस आपका बच जाता है। तो ये 25x25 में होम डिज़ाइन है। और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखिएगा, ये प्रॉपर तरीके से आपका 3 बेडरूम यहाँ निकल आते हैं। अगर हम इसके 2D की मैप की बात करें, इसके साइजेस की बात करें, तो वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। आप जैसे हमारा जो थंबनेल दिखा था, यहाँ पर आपको साइज़ मैंने मेंशन कर रखे हैं, सभी साइज आपको देखिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस वाले बेडरूम का जो साइज़ है 9.4x9.7, मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी 9.4x9.7 है, और इसकी भी 9.4x9.7 है। और किचन की बात करें, 6.7 इसकी लंबाई है और 5 फिट इसकी चौड़ाई है।
और ये बाथरूम की बात करें तो 5.0x5.4 का आपका लेटरन बाथरूम दिया है मैंने, और जो गेस्ट रूम है वो 9x9 का आप देख पा रहे होंगे। जो स्टेयर्स की बात करें ये आपकी 9 फिट में इधर से और 3 फिट इधर है, नौ तीन 12 फिट में टोटल इधर से आपका 9 फिट स्पेस है और इधर भी 3 फिट आपको मैंने टर्न किया है। ये इस वाले एरिया की बात करें तो 14.5 आपका यहाँ से यहाँ तक स्पेस है और ये आपका मेन डोर है, आप मेन डोर जितना बड़ा लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हैं। ये आपकी जो मैंने डोर दिया था D1 D2 उसको मेंशन किया है। तो ये पूरा आपका 2D मैप भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये कैसा लगा 25x25 का प्लान दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अभी से लाइक करें। लास्ट की बात करें, लास्ट फ्लोर की ये देखिए मैंने चारों तरफ बाउंड्री दे दी है और ये रेलिंग लगा दी है। तो ये आपका हो गया पूरा डिजाइन 25x25 में। मॉडल कैसा लगा कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।